टीचर ने 15 मिनट तक सांस रोककर हमलावर को दिया चकमा। दफनाए गए गड्ढे से खुद बाहर निकली थी महिला। नमस्कार, मैं पलक जैन और आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश न्यूज। कर्नाटक के चिकबलापुर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। मामला लव अफेयर से है, जिसमें लव करने वाले दो लोग देखते ही देखते दुश्मन बन गए। दरअसल कर्नाटक के चिकबलापुर में रहने वाली बिंदु नाम की महिला को अपने पति पर योगा टीचर के साथ अफेयर का शक हो गया, जिसके बाद महिला ने अपने दोस्त रेड्डी को योगा टीचर पर नजर रखने के लिए कहा। रेड्डी ने 3 महीने पहले योगा टीचर से योगा क्लास लेनी शुरू की और इसी बहाने उसने योगा टीचर का भरोसा जीत लिया, जिसके बाद 23 अक्टूबर को वो योगा टीचर को शहर घुमाने ले गया। योगा टीचर के मुताबिक शहर घुमाने के दौरान रेड्डी शहर के बाहर सुनसान जगह पर ले गया, जहां उसने योगा टीचर के कपड़े उतारकर उसके साथ मारपीट की और केबल से टीचर का गला घोट दिया। इस दौरान योगा टीचर ने पहले बेहोश होने का नाटक किया, फिर सांस लेने की खास टेक्निक से मरने का नाटक किया, जिसके बाद रेड्डी ने उसे मृत समझकर एक गड्ढे में दफना दिया। बाद में रेड्डी ने अपने दोस्तों की मदद से योगा टीचर के जेवर लूटे, मिट्टी डाली और मौके से फरार हो गया। अब इस पूरे मामले में पुलिस ने बताया है कि दफनाए गए गड्ढे से बाहर निकलकर 34 साल की योगा टीचर ने गांव वालों की मदद मांगी। फिलहाल इस केस में अभी तक 6 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। NCRB की रिपोर्ट ने बताया है कि 2022 के क्राइम डेटा के हिसाब से महिलाओं के खिलाफ 65,740 मामलों के साथ उत्तर प्रदेश टॉप पर है। इसके बाद महाराष्ट्र और राजस्थान का नंबर था, वहीं महिला अपराधों के मामलों में पश्चिम बंगाल चौथे नंबर पर था। ऐसी तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए अर्थ प्रकाश के साथ।